मजा आया। कितना क्रंची साउंड है ना, जैसे वो मार्केट में ठेले में होता है ना। इसमें तो आप लोगों को मैं आलू और पानी भर के खिलाऊंगी। जब मैं आप लोगों के लिए ये आलू और पानी भर रही हूँ ना, विश्वास नहीं करेंगे, खुशबू से और इस गोलगप्पे को देख के मेरे मुंह में तो पानी आ रहा है। आप लोगों का भी आ रहा है। चलिए एक टेस्ट कीजिए, फिर बनाते हैं। जय जगन्नाथ। आप सबका स्वागत है मेरी चैनल चिली स्पाइस वॉक्स में। दोस्तों आज चलिए बनाते हैं गोलगप्पा, या फिर पुचका बोलिए, या पानी पूरी या गुपचुप। तो डो बनाने के लिए हम यहाँ पे आधा कप मैदा लेंगे और आधे कप मैदे के साथ इक्वल क्वांटिटी में आधा कप हम यहाँ पे सूजी लेंगे। सूजी बारीक वाली हो तो बहुत अच्छा है। उसके साथ 2 पिंच बेकिंग सोडा, मतलब खाने वाला सोडा, या फिर 2 चुटकी खाने वाला सोडा, आधा छोटा चम्मच हम यहाँ पे नमक लेंगे। अभी हमें आटा लगाना है, जिसके लिए मैंने यहाँ पे आधा कप पानी लिया है। और पहले सूजी, मैदा, खाने वाला सोडा, नमक सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका एक सॉफ्ट सा आटा लगाएंगे, जैसे हम रोटी के लिए लगाते हैं। रोटी का आटा थोड़ा सा सॉफ्ट होता है तो रोटी बहुत अच्छी बनती है ना, तो उसी तरह इसको हमें सॉफ्ट लगाना है। लेकिन हमें जो गोलगप्पा या पानी पूरी का जो आटा है, हमें वो सख्त चाहिए। सख्त कैसे बनेगा? सूजी जब पानी में मतलब फूल जाएगा तो ऑटोमेटिक आटा हमारा सख्त बनेगा। तो उसके लिए पहले हमें हल्का सा सॉफ्ट ऐसे रखना है। तो आप देख सकते हैं, इतना तो अंदाज लगा सकते हैं ना वीडियो में देख के, कि आटा हमारा बहुत सॉफ्ट है। ज्यादा भी नहीं, फिर भी सॉफ्ट है। बस अभी इसी स्टेज पे, ज्यादा और मलेंगे नहीं, इसी स्टेज पे हमें इसको ढक के, हल्का सा गीले कपड़े से ढक के हमें इसको 30 मिनट का रेस्ट देना है, जिसमें क्या होगा, सूजी अच्छे से फूल जाएगा। अभी 30 मिनट हो चुका है और अभी हमें आटे को अच्छे से लगाना है, मतलब 2 मिनट उसको अच्छे से ऐसे मसल के लगाना है। तब आपने आटा देखा था और अभी आटा देखिए, थोड़ा सा टाइट लग रहा है ना, बस इसी तरह का हमें टाइट डो चाहिए। उसको अच्छे से ऐसे हाथ से मल लेंगे, जिससे सूजी और मैदा अच्छे से मिक्स हो जाएगा और इसकी लोइयां तोड़ेंगे। तो यहाँ पे मैंने इक्वल 4 लोई तोड़ी हूं, ये देखिए, बस रोटी जैसे आकार का 4 ठो लोई तोड़ा है। अब इसको हम क्या करेंगे, गीले कपड़े से ढक देंगे, क्योंकि आटा हमारा सूखना नहीं चाहिए, वरना हमारे जो गोलगप्पा हो या पानी पूरी हो वो ना फूलेंगे नहीं। फिर से आटा ढक देंगे और 1 लोई निकाल के लाएंगे, जैसे रोटी बेलते हैं वैसे बेलेंगे। लेकिन रोटी में तो हम सूखा आटा लगाते हैं ना, इसमें हमें सूखा आटा लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आटा टाइट बेला है, आटा अच्छे से हो जाएगा। और आप देखिए, मैं रोटी ही बेल रही हूँ, लेकिन कैसे उसको उठा उठा के बेल रही हूँ। जब थोड़ा पतला हो जाता है, इसको उठाना मुश्किल हो जाता है, तो हम ऐसे बेलेंगे। अभी आपको दिखाती हूँ, ये देखिए, बस इसी तरह हमें जितना पतला हम कर सकते हैं हम वैसे ही बेलेंगे। आप लोग वीडियो देख के समझ सकते हैं मैं कैसे उसको बारीकी से पूरा पतला कर रही हूँ। ये देखिए दोस्तों, उसको अच्छे से पूरा पतला बेलेंगे। जितना पतला बेलेंगे ना, आपका जो गोलगप्पा है उतना क्रंची बनेगा और अच्छे से फूलेगा। और इसको उठा के नहीं दिखा सकती, अभी इसको हम कट करेंगे। तो कट करने के लिए मैंने यहाँ पे 2 जो मफिन रिंग्स होते हैं वो लिया है, सॉरी कुकी रिंग होती है वो लिया है। तो मैंने छोटे वाले रिंग्स है ऐसे उसको कट कर रही हूँ। आप अपने मनपसंद का बड़ा छोटा कर सकते हैं, या फिर कोई कटोरी या कोई ढक्कन से भी आप काट सकते हैं। जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसको पहले निकाल लेते हैं, ये देखिए, और निकाल के इसको वही गीले कपड़े के नीचे रखेंगे, वरना वो सूख जाएगा। और अभी ये जो छोटे छोटे गोलगप्पे हैं, इनको थाली में निकाल लेंगे और दूसरा एक बैच के लिए और 1 लोई लेके और 1 बेल लेंगे। इसको भी वैसे ही हम पतला बेलेंगे। आप अगर थोड़ा मोटा बेलेंगे ना, तो आपका गोलगप्पा क्या होगा, एक परत उसकी पतली और एक परत उसकी मोटी होगी। अगर आप पतला बेलेंगे तो आपको मोटा पतले का कंप्लेन नहीं रहेगा। अभी कुछ तो हमने बेल लिया है, और वहां पे मैंने गैस में ना तेल गरम करने को रख दिया था,
तो अभी रिफाइंड ऑयल मेरा मतलब पूरा गर्म है, जो धुआंधार गर्म बोलते हैं ना, जो धुआं उठता है वैसा गर्म है, और हमें गोलगप्पे के लिए वैसा ही गर्म चाहिए। और फ्लेम मीडियम रखिए और एक हाथ से डालते जाइए और दूसरे हाथ से चलाते जाइए। आप लोग देख सकते हैं हमारा जो गोलगप्पा है कितने जल्दी जल्दी फूल रहा है। दोस्तों यहाँ पे मैं वीडियो कोई लो मतलब स्लो नहीं कर रही हूँ, जानबूझ के आपको वही स्पीड दिखाई हूँ, क्योंकि हमें हाथ थोड़ा सा ऐसे रखना है। तेल अगर गर्म होगा तो आपका गोलगप्पा क्या है, बहुत ही अच्छा क्रिस्पी बनेगा, और अगर तेल ठंडा होगा तो ये पूरी हो जाएगा, क्योंकि अभी तो क्रिस्पी होगा, बाद में ये सॉफ्ट हो जाएगा। और इसको तलने के लिए ज्यादा से ज्यादा ना 1 से 2 मिनट का टाइम लगता है, 2 भी नहीं 1 से 1.5 मिनट का टाइम लगता है। इसी तरह आप ऐसे डालते जाइए और इसको देखिए थोड़ा सा हिलाने में कैसे फूल रहा है। आप विश्वास नहीं करेंगे, अगर आप इसी तरह बनाएंगे ना, आपका कोई भी गोलगप्पा ऐसा नहीं जाएगा जो कि आपका फूला हुआ ना हो, मतलब पापड़ी नहीं बनेगा, सब आपका गोलगप्पे ही बनेंगे। तो ये देखिए सारी गोलगप्पे मेरे भी मतलब ऐसे ही मैं बना लूंगी। अभी देख रहे हैं हमने ये दूसरा बैच भी ऐसे ही डाल रहे हैं और सारे गोलगप्पे हमारे कैसे फूल रहे हैं। बस इसी तरह इसको भी 1-1.5 मिनट ऐसे मीडियम फ्लेम पे तलेंगे, तल के हम इसको निकाल लेंगे। लेकिन दोस्तों एक चीज का ध्यान रखिए, तेल हमेशा गर्म होना चाहिए। अभी ये सारे गोलगप्पे तो मेरे हो गए हैं, इसको मैं डाल के अभी जो हमारे कट पीस बचे थे उससे हम बनाएंगे। इसको मैं पहले डाल देती हूँ और ये जो कट पीस बचे थे इस ऐसे थोड़ा सा हाथ से लगा लेंगे और लगा के इसकी छोटी छोटी लोइयां तोड़ लेंगे। इसको तो हम अभी और कुकी कटर से काट नहीं सकते, उसको ऐसे ही बेलेंगे। तो छोटा छोटा मतलब ऐसे तोड़ के छोटी छोटी लोई इसको हम बेल लेंगे, पूरा पतला बारीक बेल लेंगे। ये देखिए दोस्तों मैंने यहाँ पे लास्ट मेरा 3 बचा था जिसको मैंने पतला पतला बेला है और ये थोड़े से बड़े हो गए हैं। आप देख सकते हैं तेल से कितना धुआं निकल रहा है। बस इसी तरह धुआंधार तेल में अगर आप मतलब आपके गोलगप्पे तलेंगे तो आपके गोलगप्पे ना बहुत ही क्रिस्पी बनेगा। और इसको जब आप रखें एक जालीदार जगह में रखिए, बंद बॉल में मत रखिए, उससे क्या होगा ना आपका गोलगप्पा सौगी बन जाएगा, सॉफ्ट हो जाएगा। लेकिन आप अगर जालीदार बर्तन में रखेंगे आपका गोलगप्पा क्या होगा, ऐसे ही क्रंची रहेगा। तो ये देखिए मैंने सारे गोलगप्पे अभी निकाल लिया है और मैंने ऐसे ही एक जालीदार बर्तन में ही रखी हूँ, आपने आप देख सकते हैं। अभी एक गोलगप्पे की आवाज तो सुन लीजिए, कितना क्रंची है ना। और आप विश्वास नहीं करेंगे, आप अगर ऐसे बना के रखेंगे ये महीना भर ऐसे क्रंची रहता है। अभी चलिए उसकी पानी बना लेते हैं। पानी के लिए यहाँ मैंने कुछ धनिया, पुदीना, हरी मिर्च, अदरक और नींबू लिया है, और बाकी जो सूखे मसाले हैं वो बाद में डालेंगे। तो पहले इनका हम पेस्ट बना लेते हैं। तो धनिया, पुदीना और जो हरी मिर्च और अदरक है इसको एक मतलब मिक्सिंग जार में डाल के इसका एक ना हम पेस्ट बना लेंगे। बस इसका एक पेस्ट बना लेते हैं। ये देखिए दोस्तों हमारा पेस्ट बनके अभी तैयार हो गया है। अभी इसमें से ना हम 1 चम्मच बाहर अलग से रख देंगे। क्यों रख रहे हैं वो आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा। और ये जो बाकी बचा चटनी है, इस चटनी को हम एक बड़े से बर्तन में निकाल लेंगे, हमें पानी जो बनाना है। सारा चटनी मैंने निकाल दिया है, अभी मिक्सिंग जार को धो के भी थोड़ा सा पानी हम डाल देते हैं। बस और डालने के बाद अभी हम इसमें 2 ग्लास पानी डालेंगे। ये देखिए दोस्तों अब इसमें हम नींबू का रस डाल देंगे। पहले हम आधा नींबू का रस डालेंगे, अगर टेस्ट में कुछ चेंज हुआ या जरूरत पड़ी तो बाद में डालेंगे। आधा छोटा चम्मच रेगुलर नमक मतलब सफेद नमक, आधा छोटा चम्मच काला नमक, 1 छोटा चम्मच भुना हुआ जीरा पाउडर, उसके साथ 1 बड़ा चम्मच हम यहाँ पे जलजीरा पाउडर डालेंगे। अगर जलजीरा पाउडर नहीं है तो आप यहाँ पे अमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं। 1 बड़ा चम्मच जलजीरा पाउडर डाल के इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करने के बाद इसको एक बार टेस्ट करना तो बनता है, वरना टेस्ट नहीं करेंगे तो इसका नमक, खटास पता कैसे चलेगा।
तो दोस्तों अच्छे से मिक्स करके इसको टेस्ट कीजिए। मुझे हल्का सा नींबू की कमी लग रही है तो मैं इसमें और आधा नींबू निचोड़ रही हूँ। देखते हैं उसके बाद उसका टेस्ट क्या आता है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे आधा नींबू और डाल रही हूँ टेस्ट को बैलेंस करने के लिए, लेकिन ये सब ना ऑप्शनल है, आप एक बार टेस्ट करके फिर डालिए। बस दोस्तों आपका जो चटपटी सी जो पानी है वो तैयार हो गया है। अभी मुझे पानी का टेस्ट परफेक्ट लग रहा है क्योंकि मैं टेस्ट कर रही हूँ, परफेक्ट है। बस पानी तैयार है, गोलगप्पा तैयार है, अब चलते हैं इसका आलू की स्टफिंग बनाएं। बहुत से जगह में मटर का बनता है, मैं जब दूसरे वीडियो गोलगप्पे की लाऊंगी उस टाइम आपको मटर की स्टफिंग बताऊंगी। आज चलिए हम आलू मसाला की स्टफिंग बना लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने 3 उबले हुए आलू लिया है जिसमें हम क्या करेंगे, बारीक कटा प्याज और ये जो धनिया पत्ती है उसको डाल देंगे। बारीक कटा हरा धनिया डाल के इसमें ना आधा कप करीबन उबला हुआ मटर, उसको मैंने उबाल के रखा था तो उबाल के आधा कप करीबन मटर डाल के आधा छोटा चम्मच नमक, 1 छोटा चम्मच भुना हुआ जीरा पाउडर, आधा छोटा चम्मच देगी मिर्च या फिर आप 2 हरी मिर्च भी काट के डाल सकते हैं। उसके बाद जो चटनी हमने बचा के रखा था वो चटनी डाल देंगे। ये जो चटनी डालने से ना इसका स्वाद बहुत ही अच्छा आ जाता है। बस अभी इसको हम रफली मैश करेंगे, जैसे कि थोड़ा सा आलू भी बड़े बड़े पीसेस में रहे। अच्छे से भुरते की तरह मैश मत कीजिएगा, जैसे कि आलू में थोड़ा सा चंक्स आए तो बहुत मजा आता है। बस दोस्तों आलू मसाला भी तैयार हो गया है, अभी प्लेट लगाएं जैसे ठेले में देते हैं। तो एक गोलगप्पा लेके उसको पहले हम ऐसे, मतलब जैसे हम स्टफ करेंगे उसके लिए ऐसे तोड़ देंगे। बस उसमें अभी आलू भर के, पानी भर के उसको एंजॉय करेंगे। मेरे पीछे तो मेरे परिवार की लाइन लगी है, आप बनाइए फिर ठेला रखिए। 1 रुपए की कितने गोलगप्पे या फिर 1 प्लेट में कितना गोलगप्पा, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आपके परिवार में आपने कितना इनकम किया, है ना मजेदार बात। ये चटपटी सी गोलगप्पा आपके लिए। आशा करती हूँ मेरी ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।